सो हेलो एवरीवन, आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस दिस थिंग कि आप लोगों के प्यार की वजह से और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से अतिरथ M01 बैच इज नाउ फुल। अब उसके अंदर सीट्स नहीं है, सो राइट नाउ वी आर गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ द कॉल्स फ्रॉम द होल कंट्री टू लॉन्च अ न्यू बैच। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज हैं दैट दे वांट टू जॉइन अ न्यू बैच। बहुत सारे बच्चे हमारे बारे में नहीं जानते हैं एंड दे वांट टू नो अबाउट अस। सो इस वीडियो के अंदर मैं एक नए बैच का जो इनॉग्रेशन है वो करने वाला हूँ, दैट इज योर अतिरथ M02 बैच, दैट इज गोइंग टू बी फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ योर 6 मंथ्स। 6 महीने का आपका पूरा कवर बैच होने वाला है, जिसके अंदर आपको 3 से 4 महीने के अंदर आपका सारा का सारा जो सिलेबस होगा सारा का सारा कवर अप करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका रिविजन होगा, रिविजन के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्वेश्चन को किस तरह से प्रैक्टिस करना है। आप लोगों के प्यार की वजह से हमारा जो पहला बैच है वो सक्सेसफुली कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब उसके अंदर सीट्स नहीं है, सो अभी हमने जो एनरोलमेंट्स हैं उसके अंदर लेना बंद कर दिए हैं। हमारा जो अगला बैच है वो स्टार्ट होने वाला है ऑन द 1st of November एंड उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं उसके बारे में आपको बात करने वाला हूं। द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं, सो वी आर एन इंस्टीट्यूट हु प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड वी हैव गिवन द ऑल्ड रैंक 1 इन द ईयर MNS 2021। सो दैट इज आवर लेगेसी, जो कि हम चीजों को लेगेसी को कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम जो रिजल्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट आपके सामने कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको अतिरथ बैच के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन इसकी जो रहेगी वो आपके 6 मंथ्स है। 6 महीने तक आपकी जो क्लासेस हैं वो इसके अंदर चलने वाली हैं। आपके हर हफ्ते वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पर होंगे। हमारे यहाँ पर जो वीकली मॉक टेस्टिंग का जो पैटर्न होता है वो कुछ बहुत अलग होता है बाकी इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में। हमारे यहाँ पर वीकली मॉक टेस्ट अलग होते हैं, उसके बाद हमारे टर्म टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमारे जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हैं वो यहाँ पर रहते हैं। हफ्ते में आपका 1 टेस्ट होता है, महीने में आपके 5 टेस्ट होते हैं, जिसमें से 4 आपके वीकली मॉक टेस्ट होते हैं और 1 आपका फुल आपका टर्म टेस्ट होता है। इसके अंदर पूरा का पूरा जो महीने के अंदर सिलेबस आपको पढ़ाया गया है सारा का सारा जो सिलेबस है वहां पर आपसे पूछा जाता है। क्योंकि हमें एक चीज की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हुई थी जब हमने चीजों को स्टार्ट करा था कि बच्चे पढ़ तो रहे थे लेकिन बच्चे चीजों को याद नहीं रख पा रहे थे, बच्चे चीजों को रिटेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी। और टेस्टिंग से हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है और अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमें ये चीज के बारे में पता चलता है कि हम कहां पर लैक कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें फिर से ग्रो करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है और कहां पर हमें फिर से जो फोकस है उसको डालना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरी चीज हमारे हैं नोट्स। आपको हमारे जितने भी नोट्स हैं PDF कस्टमाइजेबल जो नोट्स हैं वो आपको सारे के सारे देखने को मिलेंगे। हमारे जितने भी सारे के सारे नोट्स होते हैं वो वेल प्रेजेंटेड होते हैं इन अ वेरी गुड मैनर। क्योंकि जब हमने चीजों को किया था, जब हमने हमारी जो रिसर्च टीम थी उसने जब नोट्स को बनाया तो उस टाइम पे नोट्स जो थे आपके वो टॉपिक फॉर्मेट में थे और आपके जो नोट्स थे वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में थे। लेकिन वो चीज मुझे पसंद नहीं आई, टीम को पसंद नहीं आई कि इस तरह से अगर नोट्स को प्रेजेंट करके देंगे बच्चों को तो बच्चे सो जाएंगे और इंटरेस्ट जो है वो नोट्स में क्रिएट नहीं हो पाएगा। और जब तक बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा तब तक वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं और अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शंस नहीं होंगी। इसलिए जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं वो नोट्स हमने आपके लिए क्रिएट किए हैं। हर चीज के हमारे पास ऐसे नोट्स हैं जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और ज्यादा बूस्ट होगी। तीसरी आपको मिलेगी क्विजेस। क्विजेज इस तरह से हमने आपके लिए डिजाइन कर रखी है, लेवल वाइज क्विजेज आपको देखने को मिलेंगी, Level 1, Level 2, Level 3 and Level 4। अब हर लेवल के अंदर जो क्विज होती है वो इस तरह से रहेगी, अगर आप लेवल 1 को पार करते हैं तो अपने लेवल 1 के सारे क्वेश्चन वो कर लिए हैं। अगर आप हमारी जो क्विजेज हैं उसका अगर लेवल 3 तक भी पहुंच जाते हैं तब आपका MNS का जो एग्जाम होता है वो आपका डेफिनेटली क्रैक हो जाता है। इसके लिए हम आपको जो श्योरिटी है वो आपको देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जितनी भी फैकल्टी है मिनिमम 15 ईयर्स के जो टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ वो वहां पर रहती है। मिनिमम 15 साल का जो टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो हर एक फैकल्टी के पास है और हमारे पास जब फैकल्टी की हायरिंग होती है तो 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस उनका एक क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर हम जो हायरिंग होती है वो करते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट इतनी सारी चीजों के साथ में हम लोग आपको 2-वे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन का सपोर्ट भी देते हैं कि आप अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लास के अंदर अपने माइक को अनम्यूट करके वहीं पर पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये नहीं होता है कि साइड में चैट चल रही होंगी और टीचर पढ़ रहा होगा, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे बच्चों की क्लास है और वहां पर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं तो उनको सॉल्व कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग आपको क्लास के अंदर ही सपोर्ट दे देंगे, क्लास के अंदर ही अपने माइक को अनम्यूट करके अपने जो डाउट्स हैं वहीं पर क्लास के अंदर ही पूछ सकते हैं, जिससे आपके जो डाउट्स हैं उसी टाइम पर सॉल्व हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर डाउट काउंटर्स का सिस्टम नहीं होता है कि आज आपने डाउट पूछा आपके पास कल या परसों जवाब आएगा, आपको इंस्टेंट जो जवाब है हमारी जो फैकल्टीज हैं वो उस टाइम पर देती हैं। उसी के साथ में जो वेल रिसर्च स्टडी मटेरियल आपको वो देखने को मिलेगा, सारे के सारे जो नोट्स हैं वो वेल रिसर्च हैं फॉर योर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और हमारे साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है
कि वी टीच ओनली फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो हमारे पास जितना भी मटेरियल है सारा का सारा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को ही फोकस्ड है। तो अगर आप हमारे पास आते हैं तो हर एक चीज आपको वो मिलेगी जो कि आपके लिए एसेंशियल है आपके इस ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जिसका अभी तक किसी के पास भी इस तरह का सिलेबस नहीं है, वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, उसमें आपको जो सफलता है वो देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे इंटरव्यू सेशंस रहते हैं, हमारे जितने भी इंटरव्यू सेशंस हैं वो सारे के सारे जो हमारी टीम है उसको कनेक्ट कराती है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम आपको इंटरव्यू सेशंस भी देते हैं, और इंटरव्यू सेशंस में आपको सिर्फ गाइडेंस नहीं देते हैं, हम आपको वन टू वन जो सेशंस हैं वो भी आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स टू, अगर आपको कोई भी मेडिकल कंसर्न है तो आपको टू जो मेडिकल कंसल्टेशंस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी इश्यूज, आपका कोई ओबेसिटी का इश्यू है, कोई हाइट का इश्यू है, तो उनके साथ डॉक्टर्स के साथ उसकी चीजों के बारे में कंसल्ट आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन रेशियो है इन द ईयर 2020 एंड ऑल्सो इन द ईयर 2021, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 2020 के अंदर ऑल रैंक 5, ऑल रैंक 11 एंड मेनी मोर अदर सिलेक्शन दिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इन द ईयर 2021 वी हैव गिवन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इन द होल कंट्री एंड ऑल्सो गिवन ऑल रैंक 1, जिसके जो मार्क्स आए हैं वो 150 आउट ऑफ 150 आए हैं। जब आपका पेपर को एक या दो महीने रह जाएंगे उस टाइम के ऊपर हम आपको रिवीजन कराएंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास आपके लिए 18 फुल सिलेबल जो मॉक टेस्ट होंगे वो आपके लिए रहेंगे। 18 फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट होंगे उसके थ्रू आप अपनी तैयारी को करेंगे, और 150 नंबर का जो पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट के अंदर किस तरह से करना है वो चीज भी हम आपको बताने वाले हैं। हमारी फैकल्टीज बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, आपको हर टाइम पे वो आपके जो डाउट्स उनको क्लियर करती है, तो चीजें आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं जब आप हमारे पास आते हैं। सो अतिरिक्त M02 जो बैच है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सीट्स एकदम से भर रही हैं, बिकॉज अभी तक हमने इसके बारे में अभी मैं जस्ट अनाउंस कर रहा हूँ, इससे पहले ही कम से कम 10 से 12 एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। बट द थिंग इज दैट क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इस टाइम पर कॉन्शियस हैं, बिकॉज एक लाइन में बोलना चाहूंगा, टॉपर्स नेवर स्टार्ट लेट। बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोचेंगे दो महीने पहले, एक महीने पहले, उस टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करवाना पाना असंभव होता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और समय बहुत कम होता है। उस टाइम पर बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा का सारा सिलेबस करा दिया जाएगा, लेकिन उस टाइम पर सिलेबस नहीं हो पाता है, आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू चलना होता है। डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जब आप फैकल्टी के चलते हैं तो आपकी सिलेक्शन डेफिनेट होती है, लेकिन अगर आप दो या तीन महीने वाले हैं तो सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं। इफ यू वॉन्ट टू टॉप इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, और आपको चीजों को इस तरह से करना है कि आपकी सिलेक्शन डेफिनेट हो और आप ही वो बच्चे बने जो कि 2022 के अंदर जो सिलेक्शन है, जो ऑल रैंक 1 है, वो आप लेके आए। मेरा एक लक्ष्य है कि 2022 के अंदर ऑल रैंक 1-10 के बीच में सारे के सारे बच्चे हमारी तरफ से होने चाहिए, एंड यू आर द वन जो कि उसके बीच में से एक बच्चा होने वाला है। तो वेट मत करिए, क्योंकि टाइम अगर एक बार निकल गया हम हर चीज को एक बार फिर से कर सकते हैं। हमारी एक जिंदगी के अंदर चीज बोलते हैं ना, सारे के सारे द्वार बंद हो जाए तो भगवान एक द्वार खोल देता है, लेकिन इफ वी मिस अ अपॉर्चुनिटी तो हो सकता है अगली अपॉर्चुनिटी से बेटर हो, या फिर हो सकता है कि उससे कम हो, लेकिन सेम अपॉर्चुनिटी बार बार जिंदगी में नहीं आती है विद द सेम इंटेंसिटी। इसलिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके पास इनफ मच टाइम है, आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक साल खुद को दीजिए और अपनी जो सिलेक्शन है उसको आप लेके जा सकते हैं, और आप भी वो बच्चे होंगे जो 2022 के अंदर सिलेक्शन है उसको लेके आएंगे। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन द कोर्सेज, नंबर जहां पर स्टॉल हो रहे हैं आपको बस नंबर्स पे कॉल करना है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो वहां पर डिलीवर कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी द टुडेज वीडियो। इस वीडियो को शेयर करिएगा, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड जय हिंद जय भारत।